सो गाइस, इस वीडियो में देखेंगे कि हम इनपुट कैसे ले सकते हैं। कोई भी स्ट्रिंग की इनपुट लेनी हो या किसी इंटीजर वैल्यू को लेनी हो तो हम कैसे ले सकते हैं इसके अंदर। तो गाइस, पहले मेन फंक्शन क्रिएट करते हैं इसके अंदर। ठीक है गाइस, करना क्या आपको लिखना है, मेन फंक्शन एंड ठीक है गाइस। फॉर एग्जांपल, मान लो कि मुझे एक नेम का एक लाइक नेम या स्ट्रिंग का मुझे एक इनपुट लेना है, तो हम यहाँ पर कैसे लेंगे कॉटलिन के अंदर। तो इसका लिखो पहले यहाँ पर प्रिंट एलन इज इक्वल टू अपने पास की एंटर एंटर योर नेम। ओके, ये लिख दिया। अब कैसे क्या करना है, आपको कोई नेम को इनपुट लेना है। तो गाइस कैसे करना है, एक काम करो, आप पहले एक वेरिएबल लो यहाँ पर नेम नाम का। ठीक है, अब गाइस आपको इनपुट लेना है यहाँ पर, तो एक फंक्शन होता है कॉटलिन के अंदर जिसका नाम होता है रीड लाइन। ओके, क्या नाम होता है, रीड लाइन। तो बस करना क्या है, रीड लाइन लिखना है आपको, और गाइस यहाँ पर आगे कॉटलिन आया होता है। ठीक है, ये काम हो गया। अब गाइस क्या करना है आपको, जस्ट और जस्ट प्रिंट करना है इस नेम को। तो गाइस मान लो आपको प्रिंट करना है इस नेम को, तो लिखा आपने यहाँ पर, और आपने देखा इस यहाँ पर लाइक माय नेम इज़ एंड नेम पास कर दिया, क्योंकि इस नेम के अंदर क्या है वो डेटा स्टोर हो जाएगा जब हम इनपुट लेंगे इसके अंदर। अब इसके थ्रू क्या कर रहा हूँ मैं, इस प्रिंट एलन फंक्शन के थ्रू क्या कर रहा हूँ मैं, उस नेम को प्रिंट करवा रहा हूँ। ओके, तो गाइस अब क्या करते हैं, इसको जरा रन करते हैं एंड लेट्स सी कि क्या होता है। ओके गाइस, तो रन हो चुका है। अब ये कैसे क्या कह रहा है कि एक नाम नेम को अपना इनपुट दो। ठीक है, तो मान लो मैं स्नेहा लिखता हूँ। ओके, एंड गाइस एंटर मारता हूँ। एंड गाइस देखो, माय नेम इज स्नेहा आ चुका है यहाँ पर। तो गाइस ये अगर आपको कोई स्ट्रिंग इनपुट लेना हो तो कॉटलिन के अंदर, तो आपको यूज़ करना पड़ेगा रीड लाइन नाम का फंक्शन। ओके, तो बस अब क्या कर फिर, मान लो कि आपको एक इंटीजर वैल्यू को क्या चाहिए, इनपुट चाहिए कॉटलिन के अंदर, तो वो कैसे कर सकते हैं इसके अंदर। तो गाइस देखो, रीड लाइन जो होता है ना वो स्ट्रिंग के लिए होता है। अब गाइस क्या कर सकते हो, आप इसको ना कन्वर्ट कर सकते हो इंट के अंदर। पर जहाँ मान लो कि देखो, जैसे मैंने क्या किया यहाँ पर, मैं इनको हटाता हूँ यहाँ पर। मान लो ये जो नेम है ना यहाँ पर, ये जस्ट एक वेरिएबल है। ठीक है, अब बस क्या करना है कि मुझे लेनी है किस टाइप की, चलो कैसे को इसको हटा देता हूँ पूरा। ठीक है, अब दोबारा से लिखता हूँ कैसे यहाँ पर, कि लिखता हूँ यहाँ पर प्रिंट। ओके, मैं जस्ट प्रिंट एलन पास किया एंड गाइस मैं करता हूँ यहाँ पर लिखा हूँ एंटर एनी एंटर योर एज। ओके, एंटर योर एज, ऑफकोर्स वो इंटीजर में होगा। ओके, अब कैसे करना है आपको, यहाँ लिखना है आपको एक वेरिएबल टाइप का एज ले लिया। एंड गाइस क्या किया आपने, रीड किया रीड लाइन। ओके गाइस देखो, ये जो रीड लाइन है वो स्ट्रिंग के लिए होता है। तो गाइस जब भी मैं कोई डेटा एंटर करूँगा इसके अंदर, तो गाइस क्या होगा, वो स्ट्रिंग फॉर्म में जाएगा। तो गाइस मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा उस स्ट्रिंग को इंटीजर के अंदर। तो गाइस कुछ नहीं करना आपको, बस लिखना है नीचे प्रिंट एल एन एंड गाइस क्या करना है आपको, पास करना है यहाँ पर कि लाइक माई एज इज लिखना है ऐसे। एंड एक मिनट गाइस, आपको क्या करना है कि एक मिनट आप लिखना है इंटीजर इंटीजर डॉट पार्स इंट करना है। ओके, कैसे क्या कर रहे हो यहाँ पर, यहाँ पर आप कन्वर्ट कर रहे हो उस स्ट्रिंग को इंटीजर के अंदर। ठीक है, तो कैसे आपको जस्ट एज पास करना है एंड दैट्स इट। अब वैसे क्या करना है आपको, जस्ट इसको रन करवा देना है। अब वैसे देखते हैं कि क्या आता है इसके अंदर। तो गाइस अब क्या करना, क्या कह रहा है कि एंटर योर एज करो। फॉर एग्जाम्पल गाइस मेरी एज 20 है यहाँ पर, तो मैं 20 एंटर करूँ, तो माई एज इज़ यहाँ माई एज आएगा। ओके, माई एज इज़। ओके, तो गाइस देखो यहाँ पर हमने काम कर लिया अपना, कि मतलब देखो हमने देख लिया यहाँ पर कि इंटीजर को कैसे इनपुट लेते हैं और एक स्ट्रिंग को कैसे इनपुट लेते हैं कॉटलिन के अंदर। अब इस पर मान लो कि फ्लोट हो गया, डबल हो गया, उसको हम कैसे लेंगे यहाँ पर। तो गाइस देखते हैं यहाँ पर, अब गाइस देखो स्ट्रिंग में है तो हम कन्वर्ट कर सकते हैं फ्लोट के अंदर उसके अंदर, अगर देखने की कोशिश करते हैं। फ्लोट FLOAT फ्लोट डॉट पार्स, कहीं देखो यहाँ पर पार्स का नहीं आ रहा, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो हमने हमें रीड लाइन लिखा है यहाँ पर मेथड ये वाला, इसके थ्रू हम सिर्फ इंटीजर और स्ट्रिंग की हम सिर्फ इनपुट ले पा रहे हैं यहाँ पर। लाइक सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग के लिए होता है रीड लाइन। अगर आपको इंटीजर लेना है तो आप कन्वर्ट कर सकते हो उसको इंटीजर के अंदर, बट यहाँ हम फ्लोट डबल और बाइट शॉर्ट के अंदर हम इनपुट नहीं ले पा रहे हैं, यू नो लाइक कि नहीं ले पा रहे। तो गाइस करना क्या है,
अब हम एक सेकेंड मेथड देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, कि उसके थ्रू क्या करेंगे हम, जितने भी हमारे पास डेटा टाइप्स होते हैं लाइक इंट, फ्लोट को और कैरेक्टर, स्ट्रिंग जो भी है, उसके थ्रू हम क्या करेंगे इनपुट ले पाएंगे। ओके तो गाइज़ ये जो होता है रीड लाइन, वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होता है, स्ट्रिंग के लिए होता है। ओके तो गाइज़ नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि वो फ्लोट, डबल और इन सब के लिए कैसे इनपुट ले सकते हैं। ओके।